हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास हरमन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रघु और राजीव के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि रघु और राजीव ने रूडीज के शो को क्यों छोड़ा था और अब ये क्या करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रूडीज इंडिया का सबसे पुराना रियलिटी शो है और ये शो इंडिया के यूथ में स्पेशली काफ़ी फेमस है। सो मैं आपको बता दूँ कि रघु ने MTV को रूडीज का कॉन्सेप्ट साल 2000 में बताया था। इसके बाद इस शो को एज एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया गया था, लेकिन सीजन 2 के बाद ये शो काफ़ी पॉपुलर हो गया, स्पेशली यूथ में ये शो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। इसके बाद सीजन 6 में रघु के भाई राजीव ने भी रूडीज के शो को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये रूडीज के शो को सीजन 7 के बाद छोड़ देंगे, लेकिन MTV के कहने पर सीजन 9 तक रघु और राजीव ने रूडीज के लिए काम किया। सीजन 9 के बाद राजीव ने रूडीज के शो को छोड़ दिया था और रघु ने भी सीजन 11 के बाद रूडीज के शो को क्विट कर दिया था। रघु और राजीव के रूडीज के शो को क्विट करने के दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये ऑडियंस की निगाहों में अपनी इमेज को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि ऑडियंस को लगता था कि रघु और राजीव एक ऐसे जुड़वा भाई हैं जिनको सिर्फ गाली निकालना आता है, इसके अलावा इन्हें कोई भी काम नहीं आता। जबकि रघु और राजीव चाहते थे कि ऑडियंस इनको एज अ क्रिएटर देखे, ना कि दो बदमाशों की तरह देखे। दूसरा कारण ये था कि अब रूडीज का शो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था और रघु और राजीव चाहते थे कि इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि रूडीज के शो में गैंग लीडर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। सो न्यू कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए रघु और राजीव ने रूडीज के शो को क्विट कर दिया था। रूडीज के शो को क्विट करने के बाद रघु ने अपनी एक बुक भी लॉन्च की थी, जिसका नाम था रेयर व्यू माई रूडी जर्नी। इसके बाद अब ये दोनों भाई MTV के शो MTV ड्रॉप आउट में काम करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि MTV स्प्लिट्सविला को भी रघु ने ही क्रिएट किया था। सो गाइज, अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आपके क्या विचार हैं रघु और राजीव के बारे में। आप इनको एज अ क्रिएटर देखते हो कि एक ऐसे जुड़वा भाई देखते हो जिसको सिर्फ गाली ही निकालना आता है? और आप मेरे को ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि जो पहले रूडीज था, जब रघु और राजीव था, आपको वो अच्छा लगता था, कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है रूडीज का जिसमें गैंग लीडर है, आपको ये अच्छा लगता है? बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।